हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से एक है, क्या है? सामाजिक गुण है, मानसिक प्रवृत्ति है, जैविक आवश्यकता है, या फिर दार्शनिक संकल्पना है। तो सही आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा उत्तर यहां पे सही होगा। 20 में से आप लोग स्कोरिंग भी करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। और एलटी ग्रेड के एग्जाम में आप लोग की माइनस मार्किंग होगी, उसमें आपको 40% यानी 60 मार्क्स भी लाना अनिवार्य है, तब आप वहां पे पास आउट होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रिलेट कर जाएगा आपका सामाजिक गुण, कुछ बुक्स में दिया हुआ वो आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर होता है जैविक आवश्यकता, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बाल और सॉकेट प्रकार का जोड़ है, यह किस प्रकार का जोड़ है? अचल जोड़ है, एक ध्रुवीय जोड़ है, द्विध्रुवीय जोड़ है, या फिर त्रिध्रुवीय जोड़ है? बताइए बॉल और सॉकेट जो है ये किस प्रकार के जोड़ से संबंधित है। सही आंसर कौन से ऑप्शन से रिलेट करेगा? जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 9621819209। फर्स्ट ऑफ सितंबर से आप लोगों का न्यू बैच शुरू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही आंसर यहां पे त्रिध्रुवीय जोड़ से रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से एक स्थूलवत जोड़ का बेहतरीन उदाहरण है, तो बेहतरीन उदाहरण क्या है? कंधों का जोड़ है, कूल्हे का जोड़ है, कलाई का जोड़, या फिर गर्दन का जोड़? बताइएगा सही आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने टीजीटी की तैयारी की है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे। बस धीरे धीरे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, जिससे ये क्वेश्चंस आपके गलत ना होने पाए। और मेन टारगेट आप लोग अभी बनाइएगा जीएस, जो आपका आता है 30 मार्क्स का, और पीसीएस लेवल के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का लेवल अगर आप मान के चलते हैं कि 30 ही प्रश्न आएंगे, बहुत आसान होंगे, तो ये आप लोग के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। मेहनत से पढ़िएगा जीएस का जितना भी पोर्शन वहां पे पूछा जाता है, क्योंकि पीसीएस जो आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके थ्रू ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, तो वहां पर जो क्वेश्चन का लेवल होगा थोड़ा सा अप रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रिलेट करेगा थर्ड का सी ऑप्शन है, कलाई का जोड़, यानी सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन से उत्तोलक में बल तथा आधार, यानी बल आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है? क्या पूछा जा रहा है कि किस उत्तोलक में बल जो है आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है? ऑप्शन आप लोग देखिएगा कौन सा यहां पे सही हो सकता है। टाइप वन तथा टू, टाइप वन, टाइप थ्री, या फिर केवल टाइप टू? सही आंसर यहां पे जो रिलेट कर जाएगा टाइप वन तथा टाइप टू नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। टाइप थ्री के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वहां से उस पार्ट को आप देख सकते हैं। जब कोई जोड़ गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की दो हड्डियों के बीच कोण बढ़ता है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं, अवतानन बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, या फिर एक्सटेंशन या विस्तार बोलते हैं? सही आंसर क्या हो सकता है 5 नंबर में? तुरंत आप लोग अपना आंसर टिक करिएगा। फिजिकल में आप लोग के 120 में से मैक्सिमम 100 प्लस क्वेश्चन राइट होने चाहिए। बताइएगा 5 का सही आंसर विस्तार हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाता है, बहुत स्थायी बनाता है, अस्थायी बनाता है,
गतिवान बनाता है, धीमा बनाता है, डी ऑप्शन में दिया हुआ बहुत स्थाई। बताइएगा क्या होता है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। राइट आंसर के साथ में आप लोग रिलेट करिएगा, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। यहां पे जो उत्तर हो जाएगा आपका बहुत स्थाई होगा, डी ऑप्शन सही आंसर से रिलेट करेगा, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। न्यूटन का दूसरा गति का नियम है, जो न्यूटन है इनका दूसरे गति का नियम बताना है कौन सा है। जड़ता का नियम होता है, ऊर्जा का नियम होता है, त्वरण का नियम होता है, या फिर क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। बताइएगा, 7th नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। केवीएस एलटी ग्रेड, झारखंड पीटीआई, राजस्थान पीटीआई और उसके साथ में बिहार में पीटीआई की वैकेंसीज का जो इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज आने वाले समय में आ सकती है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अभी से करिएगा उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड के लिए। बहुत से लोग पूछते हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी जो आपकी 2018 की वैकेंसी है उसका प्रोसेस जैसे ही क्लोज होता है, क्योंकि वहां से जो अधियाचन भेजा जाना था अधियाचन भी जा चुका है, केवल जो पुरानी फाइल जैसे ही क्लोज होगी न्यू वैकेंसी आपकी कंडक्ट हो जाएगी। नियर अबाउट 8000 से 9000 वैकेंसीज आनी है उसमें। उसमें फिजिकल एजुकेशन की मान के चलिए का लगभग 300, इससे प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, लेकिन 300 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर यहां पे जो हो जाता है आपका ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आप सभी ने टिक लगाया है, त्वरण का नियम के साथ में रिलेट कर जाएगा। जितने भी लोगों ने टिक लगाया था सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों के अध्ययन को क्या पुकारते हैं या क्या कहते हैं। किनेसियोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, मानोमित या फिर संधि विज्ञान जिसको आर्थोलॉजी बोलते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा भी गया है कई बार। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा संधि विज्ञान यानी आर्थोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट के परिपेक्ष में निम्नलिखित में से कौन सी गति सही है, कौन सी गति इसमें से सही है। अपवर्तन, अभिवर्तन, केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। 9th नंबर का क्वेश्चन समझ के करिएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पे जो हो जाएगा आपका पूछा गया है कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट के परिपेक्ष में निम्न में से कौन सी गतियां सही हैं, अपवर्तन, अभिवर्तन। तो यहां पे ना तो एक सही है ना ही दो सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10th नंबर है, द्वितीय प्रकार के लीवर के परिपेक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहां पे बताना कि कौन सा कथन इसमें सही है। आलंब यानी जो फलक्रम एवं बल के मध्य प्रतिरोध स्थिर रहता है, आलंब यानी फलक्रम एवं प्रतिरोध के मध्य बल स्थिर रहता है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। 10th नंबर का आंसर आप लोग तुरंत टिक करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, केवल एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एफपीएस में बल का मात्रक क्या है, पाउंडर, पाउंड, न्यूटन या फिर डाइन। एफ पी एस में पूछा गया है, न्यूटन भी बहुत से लोगों ने लगाया होगा लेकिन न्यूटन गलत हो जाएगा, यहां पे होगा पाउंडल यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। गति विज्ञान के जनक बताना है, और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको वर्तमान समय में फिजिकल एजुकेशन साथ में जीएस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 12th नंबर का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, अरस्तु महोदय से रिलेट करता है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाकुंचन यानी प्रोटेक्शन और आकुंचन जिसको बोलते हैं रिट्रैक्शन होता है, नीतम के जोड़ में होता है, कंधे के जोड़ से रिलेट करता है, कोहनी के जोड़ या फिर घुटने के जोड़ में। बताइएगा,
सही आंसर क्या होगा। और तैयारी आप लोग को अभी से करनी होगी अगर आपको आगे जो एग्जाम नेक्स्ट होने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि फॉर्म आने के बाद में प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी आप शुरुआत से कर सकते हैं। अभी अगर आप 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हैं वो आपके लिए पर्याप्त है। जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग 5 से 6 आवर्स कर देंगे, और जैसे ही एग्जाम डेट आती है 10 to 12 आवर्स आप लोग पढ़ने लगते हैं। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करिएगा, जब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देंगे अभी से तब जाके आप एग्जाम तक पूरी तरीके से एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे। तो 13th का सही आंसर आप लोग टिक करिएगा, कंधे के जोड़ से रिलेट करता है, बी ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बॉल एंड सॉकेट संधि है, कोहनी की संधि, कंधे की संधि, कलाई की संधि या फिर घुटने की संधि, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14th का आंसर यहां पे कौन सा सही होता है, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन, राइट आंसर से रिलेट कर जाएगा बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमस्ट्रिंग कर्ल किस लीवर का उदाहरण है, प्रथम प्रकार का लीवर है, द्वितीय प्रकार का लीवर है, तृतीय प्रकार का लीवर है या फिर डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। अगर जीएस में आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो सबसे एक तो शुरुआत की बुक जिसको मानते हैं वो है लूसेंट। लूसेंट की एक थ्योरेटिकल बुक आती है, जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास में होगी, उसमें सब जीएस से रिलेटेड दिया हुआ है। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा महेश वर्णवाल की बुक्स आती हैं, हर एक अलग अलग, यानी हिस्ट्री की अलग आती हैं, साइंस की उसमें अलग आती है, तो वो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, या फिर एक ही बुक लेना चाहते हैं तो लूसेंट आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, या फिर जीएस के लिए महेश वर्णवाल की बुक ज़्यादा बेटर है अगर वहाँ से आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15th राइट आंसर देखिएगा क्या होगा, सी ऑप्शन तृतीय प्रकार का लीवर से रिलेट करता है, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है, यह किस गति नियम के उदाहरण से रिलेट करता है, जड़ता के नियम से रिलेट करता है, त्वरण के नियम से रिलेट करता है, प्रतिक्रिया यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर यहां पर डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो रिलेट कर जाएगा बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है जड़ता का नियम, ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। जीएस प्लस फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस भी यहां पे मिलेंगे और जीएस से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 17th नंबर है, संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्प्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, क्रैम्प बोलते हैं या फिर साइनोवाइटिस बोलते हैं, बताइएगा 17th में क्या होता है राइट आंसर। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, एलटी ग्रेड में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दो बल जो मात्रा में समतुल्य हैं परिभ्रमण की धुरी से किसी दूरी पर विरोधी दिशाओं में कार्य करते हैं और बिना किसी स्थानांतर के परिभ्रमण उत्पन्न करते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्दी से ऑप्शन देखिएगा आप लोग, अटेम्प्ट करिएगा क्या आंसर सही होगा, आवेग, आवेग युग्मन, बल युग्मन या फिर प्रतिलोम गतिकी। पेड ग्रुप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उपरोक्त नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बॉयज और गर्ल्स का बैच इस बार अलग कर दिया गया है क्योंकि अलग अलग बैचेस यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18th सही आंसर कौन सा उत्तर हो जाएगा, यहां पे बल युग्मन से रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में केवीएस के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट के आदेश पर स्प्रिंटर होता है स्थिर संतुलन में होता है, न्यूट्रल संतुलन में होता है,
अस्थिर संतुलन में होता है या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 19th में बता दीजिएगा सही आंसर होगा अस्थिर संतुलन यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलने की जटिल प्रक्रिया का विश्लेषण तथा वर्णन सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, यानी सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था, अरस्तु महोदय ने किया था, हिप्पोक्रेटस ने किया था, आर्किमिडीज या फिर गैलन महोदय ने किया, बताइए अगर राइट आंसर क्या होगा। और 20 में से आप लोग स्कोरिंग अवश्य करिएगा कि कितने क्वेश्चंस सही होते हैं, क्योंकि इतने दिनों से आप सभी लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे थे तो उस तैयारी को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी तैयारी पूरी है, बस आपको रिवीजन करना और जो नए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे उनको आप लोग को पढ़ना है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु से रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट करके ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा जिससे एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें।